पूर्ववादातून जळगाव शहरातील रेल्वे स्थानकाबाहेर इस्माईल शहा उर्फ माल्या नामक व्यक्तीचा निर्घृण खून करण्यात आल्याने संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनाम्यासाठी मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेत जिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले अशी माहिती सूत्रांच्या वतीनं देण्यात आली आहे. अतिशय वर्दळीच्या भागात माल्या नामक व्यक्तीचा खून झाल्याने शहरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. पोलीस या सर्व प्रकरणाचा तपास करीत आहे. खून करून आरोपी फरार झाल्याने स्वतंत्र पथक पोलिसांकडून नेमण्यात आले आहे. दोषी गुन्हेगारांवर आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नातेवाईकांनी केलेली आहे. तो उसको समझाने के लिए हम बोला क्या ये रिकमा काम मत करो तुम्हें मेरे मेरे रिस्क में पहले रात के टाइम पे उन्होंने मारा उन हम उसकी कंप्लेंट देने के लिए गए थे. फिर उसके बाद में इसने डायरेक्ट मैं बोला हाथ से मार रहा हमको कोई ये मालूम नहीं उसका हाथ में हथियार है क्या क्या है. और मैंने उसको खींचा बाहर फेंका मैंने और फिर वो हत्यारा उसने सर पे एक मारा और ये चार पांच वार किया उसने धड़ा 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 उसने फिर वहाँ से मतलब उसका मर्डर हुआ है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं. आज अगर उसके साथ में इंसाफ नहीं हुआ ना तो फिर दूसरे लोगों के साथ में भी उनकी करने की हिम्मत बढ़ जाएगी. तो हमारा और पूरे समाज का इतना ही कहना है कि भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए और आरोपियों को उठाना चाहिए और जब तक आरोपियों को नहीं उठाएंगे यहाँ से वो